जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है और बहुत सारी तस्वीरें तालिबान ने जारी कर दी हैं, जिनमें से एक तस्वीर में पंजशीर में तालिबान को झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देख लें जिनमें तालिबान नजर आ रहे हैं, जो कि पंजशीर घाटी में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के लिए पंजशीर में एक बहुत बड़ा जाल बुना है और वो जाल क्या है। पहले आप तस्वीरें देख लें। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब अमेरिका ने 2001 में तालिबान पर हमला किया था तो इस वक्त तालिबानियों ने शहर छोड़कर घाटी और पहाड़ियों में शरण ली थी, जहां से उन्होंने छुप छुप कर 20 साल तक अमेरिकियों को मारते रहे और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया। इसी तरह से अब नॉर्दर्न अलायंस ने भी शहर छोड़कर घाटियों और पहाड़ियों में छुप गए और शरण ली, जहां से वो दुनिया की मदद से बारी बारी तालिबान पर हमला करते रहेंगे और हो सकता है कि उन्हें पंजशीर घाटी दोबारा मिल जाए। ये सब आने वाली बातें हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तालिबान ने पंजशीर में अपना झंडा गाड़ दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना इस वीडियो पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।